एस हेल्थ रेमेडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मोटापा को लेकर है परेशान तो अब हो जाए निश्चिंत, क्योंकि आज हम ऐसे योगासन की बात करने जा रहे हैं जो वजन घटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे घर पर आसानी से किया जा सकता है। हियर आर द टॉप 5 योगा पोस्चर्स जो वजन घटाने में मदद कर सकती हैं, साथ ही उन्हें करने के तरीके, उनके लाभ और उन लोगों के लिए विचार जो उन्हें करने से बचना चाहिए, इसके के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर में है 1, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। हाउ टू डू प्राणामसाना प्रेयर पोज। अपने पैरों को एक साथ रखकर हथेलियों को प्रार्थना मुद्रा में रखते हुए चटाई के सामने खड़े हो जाएं। हस्ता उत्तानासाना रेज्ड आर्म्स पोज। सांस लें, अपनी भुजाएं ऊपर उठाएं और पीछे की ओर झुकें। उत्तानासाना स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। सांस छोड़ें, आगे की ओर झुकें और अपने पैर की उंगलियों को छुएं। आश्वासंचलानासाना इक्वेस्ट्रियन पोज। सांस अंदर लें, अपना दाहिना पैर पीछे ले जाएं और ऊपर देखें। चतुरांगा दंडासना फोर लिम्ब्ड स्टाफ पोज। सांस छोड़ें, बाएं पैर को पीछे की ओर तख्त स्थिति में लाएं और नीचे की ओर झुकें। ऊर्ध्वा मुखा स्वानासना अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज। सांस लें, अपनी छाती को ऊपर उठाएं और ऊपर देखें। अधो मुखा स्वानासना डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। सांस छोड़ें, अपने कूल्हों को ऊपर उठाएं और उल्टा वी आकार बनाएं। रिपीट स्टेप्स 4-1 ऑन द अदर साइड। आप इसे रिपीट कर दें, मतलब स्टेप छोर से एन को दोहराएं। बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार सन सैल्यूटेशन। सूर्य नमस्कार के 4 फायदे। ए, फुल बॉडी वर्कआउट। बी, एनहांसेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। सी, बूस्ट्स मेटाबॉलिज्म एंड पाचन में सहायता करता है। डी, इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मींस हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार करता है। हु शुड नॉट, किसे सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। 1, पीठ या कलाई की चोट वाले व्यक्ति। 2, गर्भवती महिलाएं बिना किसी बदलाव के। 3, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोग। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.shelthremedy.com तो विजिट करें। 2, वीरभद्रासना वॉरियर पोज। हाउ टू डू स्टेप ए, पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े हो जाएं। स्टेप 2, अपने दाहिने पैर को 90 डिग्री बाहर की ओर तथा बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ें। स्टेप 3, रेज योर आर्म्स पैरेलल टू द ग्राउंड। स्टेप 4, अपने दाहिने घुटने को मोड़ें, बाएं पैर को सीधा रखें। स्टेप 5, होल्ड फॉर 20-30 सेकंड्स एंड स्विच साइड्स। बेनिफिट्स ऑफ वीरभद्रासना वॉरियर पोज। वीरभद्रासन के 4 फायदे। ए, स्ट्रेंथन्स लेग्स आर्म्स एंड कोर। बी, improves stamina and concentration. C, enhances balance and stability. D, stretches and tones abdominal organs. Who should not, किसे वीरभद्रासन नहीं करना चाहिए। जिनके घुटने या कूल्हे की पुरानी समस्या है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति। 3, त्रिकोणासना ट्राइंगल पोज। हाउ टू डू स्टेप 1, अपने पैरों को लगभग 3-4 फीट की दूरी पर रखकर खड़े हो जाए। स्टेप 2, अपने दाहिने पैर को 90 डिग्री बाहर की ओर और बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ें। स्टेप 3, अपनी भुजाओं को कंधे की ऊंचाई पर बगल की ओर फैलाएं। स्टेप 4, सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए कूल्हे से दाईं ओर झुकें। अपने दाहिने हाथ को अपनी पिंडली या फर्श पर लाएं। स्टेप 5, अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर बढ़ाएं और अपने बाएं हाथ को देखें। स्टेप 6, होल्ड फॉर 20-30 सेकंड्स एंड रिपीट ऑन द अदर साइड। मतलब 20 से 30 सेकंड तक रुकें और दूसरी तरफ भी यही दोहराएं। ई, बेनिफिट्स ऑफ त्रिकोणासना ट्राइंगल पोज, मींस त्रिकोण आसन त्रिकोण मुद्रा के 4 फायदे। ए, रिड्यूसेस बेली फैट एंड एड्स डाइजेस्टन। बी, स्ट्रेंथन्स लेग्स नीज एंकल्स आर्म्स एंड चेस्ट। आई सी, इम्प्रूव्स मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। रिलीव्स स्ट्रेस एंड बैक पेन। मतलब हु शुड नॉट, मतलब किसे त्रिकोणासन नहीं करना चाहिए। गर्दन या पीठ में चोट वाले लोग एंड निम्न रक्तचाप वाले व्यक्ति। पॉर पुजांगासाना कोबरा पोज। है हाउ टू डू। स्टेप 1, लाई फेस डाउन विद लेग्स एक्सटेंडेड एंड फीट टुगेदर। स्टेप 2, अपनी हथेलियों को अपने कंधों के नीचे रखें, कोहनी आपके शरीर के करीब हों। स्टेप 3, सांस लें और अपनी छाती को जमीन से ऊपर उठाएं, अपने श्रोणी को जमीन पर रखें। स्टेप 4, होल्ड फॉर 15-30 सेकंड्स एंड रिलीज। बेनिफिट्स ऑफ भुजंगासना कोबरा पोसे भुजंगासन कोबरा मुद्रा के फायदे। ए, स्ट्रेंथन्स द स्पाइन। बी, टोन्स द बरक्स। सी,
stretches chest, shoulders, and abdomen, improves flexibility and alleviates stress. Who should not, matlab, kise bhujangasan, cobra mudra, nahi karna chahiye? Pregnant women, gambhir peeth ki chot ya carpal tunnel syndrome wale, jinki haal hi mein peet ki surgery hui ho. 5. Navasana, boat pose. How to do? Sit on the floor with legs extended. Lean back slightly and lift your legs off the ground to a 45-degree angle. Extend your arms forward parallel to the floor. Hold the pose for 20-30 seconds and release. Benefits of Navasana, boat pose. Navasan, Nav Mudra, ke char labh A. Strengthens the core muscles. B. Improves digestion, C. Enhances balance and coordination. Stimulates the kidneys, thyroid, and intestines. Who should not, kise Navasan, Nav Mudra, nahi karna chahiye? गर्दन या पीठ की चोट वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, निम्न रक्तचाप या हृदय की स्थिति वाले लोग कंक्लूजन की बट कैरन टू ये योग मुद्राएं जब नियमित रूप से की जाती है तो वजन घटाने और सेहत में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हालांकि अपने शरीर की बात सुनना और ऐसी मुद्राओं से बचना जरूरी है जो मौजूदा स्थितियों या चोटों को बढ़ा सकती हैं। शाय किसी भी नए व्यायाम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमेशा हेल्थ केयर प्रोफेशनल से परामर्श करें, खासकर यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इस तरह की कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।